मॉर्निंग बच्चों, मैं वेद सर। जैसा कि आज का टॉपिक हमने हाइड्रोलिक्स में लिया है, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड कंपोनेंट्स वर्किंग एंड यूज़। रेसिप्रोकेटिंग पंप और उसका कार्य क्या है, वो कैसे वर्क करता है, उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, इस सब चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें किसी को मतलब क्या है, कैसे यूज़ होता है, इसके कितने किसके फंक्शन क्या है, किस प्रिंसिपल के वर्क करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिक्रिया। ऐसे पंप को हिंदी में पंप ही समझ लीजिए, पंप ही लिखा रहता है, आप ज़्यादा इसमें हिंदी नहीं। तो ये क्या है इसके बारे में देखिए बताते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है। जैसे कि अब इसमें फिगर में आपको दिखाते हैं, देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसमें देखिए वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन इन पिस्टन। देखिए यहाँ पर पिस्टन होता है, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड से आपका सक्शन। कहने मतलब यहाँ पर ये डायरेक्ट पानी के अंदर सक लिया जाता है, वहाँ से पानी को सक करके ऊपर खींचता है। ठीक ना, इसके अंदर पिस्टन लगा होता है, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्या करती हैं, जैसे एयर विसल फिटिंग इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप। या मेन पार्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, जैसे मेन पार्ट्स इसमें होता है कनेक्टिंग रॉड होता है, पिस्टन होता है, हेड होता है, और वाल्व होता है, डिलीवरी वाल्व होता है, सक्शन वाल्व होता है, पाइप लेवल होता है, रिएक्शन पाइप होता है। तो यहाँ पानी क्या होता है, डायरेक्ट इसको पानी को किसी टैंक में या किसी वाटर लेवल में फिट कर देते हैं, वहाँ से पानी को सक करता है, सक्शन वाल्व लगा होता है, पानी क्या होता है सक करके तब ऊपर के ओर क्या करता है, खींचता है। ठीक, तो इसके बाद देखो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है इसके बारे में देखते हैं। जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वेयर सर्टेन वॉल्यूम इन लिक्विड इन कलेक्टेड इन इनक्लोज वॉल्यूम इन डिस्चार्ज विद इन द प्रेशर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन। और रेसिप्रोकेटिंग पंप इज मोर सुटेबल फॉर लो वॉल्यूम ऑफ फ्लो एट हाई प्रेशर। कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट पंप होता है कि जो कि मतलब कि क्या होता है, लो वॉल्यूम पे और हाई डिस्चार्ज मतलब हाई प्रेशर, जहाँ पर आपको कम मात्रा में वॉल्यूम हो फिर भी जहाँ मात्रा में आयतन मतलब जहाँ पर पानी की मात्रा फिर भी वहाँ पर क्या होता है हाई प्रेशर से आपको क्या कर सकता है, फ्लो करवा सकता है, पानी को क्या करता है सक कर लेता है। और प्रेशर में हम कह रहे हैं मतलब मेन है पानी को सक करना, फिर प्रेशराइज करके हमें बाहर फ्लो करवाना। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, मेन कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप आर फॉलोइंग। क्या इसके कितने कंपोनेंट्स से अवयव है, कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के कितने पार्ट्स हैं, कितने अवयव। तो पहला होता है सक्शन पाइप। क्या है पहला, सक्शन पाइप। सक्शन पाइप सबसे नीचे लगा होता है। सक्शन पाइप क्या होता है, पानी को सक करता है। मान लीजिए जैसे आप तालाब में, पहले एक एग्जांपल समझिए, जो गांव के बच्चे होंगे, देखिए तालाब से पानी खींचने वाला एक इंजन होता है, पाइप जाके तालाब के अंदर रखते हैं, उसमें जैसे कहते हैं फुटबॉल, जिसे आप हिंदी में ऐसे कहते हैं फुटबॉल, उसी को सक्शन वाल्व कहते हैं। इसके अंदर पानी भरा जाता है, पानी बाहर नहीं जा पाता, लेकिन जब पानी का प्रेशर बनता है तो वाल्व खुल जाता है और पानी ऊपर खींच जाता है, क्योंकि वो जो अंदर उसमें फेंस लगी होती है उसके अंदर पानी जब प्रेशर रहेगा तो प्रेशर बन जाता है। ठीक, फिर आता है सक्शन वाल्व, फिर डिलीवरी पाइप जहाँ से पानी निकलता है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपका आता है, जैसे कि बात समझ में आई क्या होता है, अभी बताया ना कि जो नदी तालाब में देखे पानी पाइप्स लगे होते हैं वहाँ पर सक्शन वाल्व लगा होता है, इससे पानी उसमें फ्लो करते हैं, फिर पानी खींच लेता है आराम से, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। ठीक, डिलीवरी वाल्व सिलेंडर, पहले बात डिलीवरी वाल्व क्या है, डिलीवरी वाल्व इसके बारे में एक एक ये सब एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, कि डिलीवरी वाल्व क्या है, सिलेंडर क्या होता है, पिस्टन क्या है, पिस्टन रॉड क्या होती है, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड क्या है, स्टेनर क्या होता है, एयर विसल क्या होता है। तो ये आपके 9 कंपोनेंट्स किसके होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप के। बात क्लियर हुई, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप से कितने होते हैं, सक्शन होता है, डिलीवरी वाल्व होता है, डिलीवरी सक्शन पाइप होता है, डिलीवरी वाल्व होता है, सिलेंडर होता है, और पिस्टन एंड पिस्टन रॉड, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, स्टेनर एंड एयर विसल, ये सारे पार्ट्स आपके क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट्स होते हैं किसके, डिलीवरी वाल्व पे। उसके बाद आता है सिलेंडर। ठीक, बात क्लियर हुई। जैसे कि दूसरा पॉइंट इसमें है, आप लिए देखते हैं, कहने का आप ये समझिए, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप आपको न समझिए फिर भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि किसी भी कुएं या तालाब से पानी फ्लो हो गया, उससे पानी निकालना, तो एक अपने ग्रीन पाइप डालते हैं, उसके अंदर एक वाल्व लगा होता है, फिर इंजन के माध्यम से उसको चलाते हैं, क्या करता है पानी वहाँ से सक करके फिर पानी को बाहर फेंकता है, वहाँ बाहर निकाल लिया जाता है, कुएँ को सुखा दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया, यही प्रोसेस क्या है,
पूरा रेसिप्रोटिंग सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोटिंग पंप का प्रोसेस है। अब इसके एक एक पार्ट्स कैसे, इसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, फिर एक 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 कंपोनेंट, जितने ये 9 कंपोनेंट हैं, इनका एक एक डिफिनीशन सहित हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कोई कन्फ्यूज़न तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर आता है, देखिए फिगर्स में जैसे आप देख रहे होंगे, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व, पिस्टन, सक्शन वाल्व, सक्शन पाइप, सेम्प वाल्व, पिस्टन, सक्शन स्टोर, डिलीवरी स्टोर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, फिर और IDC और ODC। IDC मतलब होता है इनडोर सेंटर, और ODC होता है आउटडोर सेंटर। ये आपका जो पिस्टन है, पिस्टन कौन सी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, कौन सा मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। जब पिस्टन अप डाउन करता है, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से TDC से BDC की ओर जाता है, तो आपका कैम घूमता है, कनेक्टिंग रॉड घूमता है, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक शाफ्ट घूमता है। तो ये क्या है, जो पाइप के अंदर लगा है, यहाँ सक्शन पाइप, यहाँ स्वयं जहाँ पानी आपको नीचे दिखाया गया है, यहाँ से पानी जब पिस्टन बाहर की ओर जाता है तो वहाँ एयर बन प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है, प्रेशर से क्या होता है, पानी ऊपर चढ़ता है, फिर पानी, फिर पिस्टन जब उसको पुश करता है, पानी क्या होता है, डिलीवरी वाल्व से बाहर निकल जाता है। डिलीवरी वाल्व अब देख रहे हैं ना, जब पिस्टन ODC की तरफ आता है, IDC से ODC आता है, तो पानी का प्रेशर ऊपर की ओर खींचता है। आप फिगर में देखिए, IDC है ODC, जब पिस्टन ODC की ओर जाता है, तब सक्शन स्वयं वाल्व से पानी ऊपर की ओर प्रेशर खींचता है। लेकिन जब ODC से IDC मतलब आउटडोर सेंटर से इनडोर सेंटर जब पिस्टन जाता है, तो प्रेशर उसको किसको दबाता है, पानी को। जब पानी को दबाता है तो डिलीवरी वाल्व से पानी बाहर निकल जाता है। बात क्लियर हो रही है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना। तो कहने का मतलब यही पूरी प्रक्रिया है। अब इसी एक एक कंपोनेंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक एक, जैसे कि सक्शन वाल्व क्या है, डिलीवरी वाल्व क्या है, सिलेंडर क्या होता है, पिस्टन क्या है, कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, क्रैंक क्या होता है, IDC क्या है, ODC क्या है, डिलीवरी वाल्व क्या है, तो ये सारे सब्जेक्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। जैसे आपको कोई भी ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए या क्वेरीज हो, तो आप जैसे मेरा भी, जैसे कि जैसे आप कोई भी और ज़्यादा डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली मुझे मुझसे बात करना है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आप देखिए, हम आपको कमेंट बॉक्स में जैसा कि देख सकते हैं, नंबर देखिए आप, उसमें कमेंट करके आप हमें से कोई भी आपको टॉपिक डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू, गुड डे सभी को।